ब्लॉग स्टार्ट हो गया है सुबह की मॉर्निंग। इसमें बज रहे हैं 9:30। चीनी वो देखो कटोरी सामने दिखाई दे रहा है, अंधी नहीं नो। तो यहाँ पे काफी हल्ला हो रहा है क्योंकि पूजा पाठ कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। और आज अगर आप तरीके से स्नैपचैट से एकदम मत बनाना, दिमाग खराब मत करना। तो ये सब था, तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू रहता है। और आज आप लोग को कहाँ तक शेयर कर दे, देखते हैं कितना क्लिप आप लोग के साथ लेके दे पाते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी एक क्लिप जो कल वाला था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, तो करूँगी, उसको भी देखती हूँ जब भी टाइम मिल जाता है। ऐसे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे पंडित जी लोग आंगन में बैठ चुके थे और यहाँ पे मैं आज मैंने येलो येलो वाली साड़ी पहनी हुई, इसलिए मैंने येलो येलो पहना क्योंकि पूजा पाठ है और घर में मेरे करीब करीब सभी लोग येलो ही पहने हैं। बेटी भी पहनी है, बाबू भी पहना है, पापा मम्मी का तो बात है पहनना ही है। तो यहाँ पे मैंने किचन में काम करी थी, तो यहाँ पे मैंने अपने कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा के स्टार्ट कर दी थी क्योंकि देखिए वहाँ पर पूजा पाठ हो रहा था, तो वहाँ खड़ी होकर ब्लॉग करने से। लेकिन मैंने इतनी व्यस्तता में भी मैं देखिए मैं आपके साथ क्लिप देना एकदम नहीं भूली। छोटा ही छोटा वीडियो क्या है कि मैं अपने काम को कहती हूँ ना, जो चीज़ देती हूँ तो कंटिन्यू करना चाहती हूँ क्योंकि देखिए जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा काम है, उसे हमें करना है। तो यहाँ मम्मी आके उधर बाहर खड़ी थी, उनसे बातें कुछ हो रही थी और बात कर रही थी क्योंकि पूजा अभी मम्मी बैठने ही जा रही थी। तो उनके कपड़े हैं, ये है वो, बहुत चीज़ें होती है जो फैमिली बाई होती है ना, सबको देखे यहाँ दीदी आ गई बड़ी वाली और यहाँ बाहर लोग आ रहे हैं, जितने लोग जो हमारे गेस्ट हैं आने वाले ना, रिश्तेदार लोग गाँव में कहते हैं ना, तो वही लोग आ रहे हैं। तो उन लोग को बार बार चाय पानी ये सब देना, खाना पीने के काम तो वो हलवाइयाँ लोग कर रहे हैं। तो यहाँ ये सबसे बड़ा काम है कि आपके यहाँ गेस्ट आए हैं उनका देखना और चाय से पानी से जो नाश्ता देना, वो चीज़ें सबसे बड़ी होती है। फिर मम्मी आ गई, उनका भी सारा चीज़ अभी पैकिंग हो चुका है, कुछ कुछ चीज़ें बाकी है ले जाना, तो वहाँ पे वही सब स्टार्ट कर रही थी। तो मम्मी पूछे देखिए ऑरेंज ऑरेंज मम्मी भी हो गई हैं। तो आज हमारे घर में सभी लोग येलो 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 हो गए हैं और अच्छा भी लग रहा है जब, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। मैं सोच रही थी मेरी पूरी फैमिली खड़ी हो कैसे फ़ोटो लेती क्लिप लेती, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और उसमें क्लिप लेना या वीडियो बनाया या वीडियो तभी मेरा छोटा छोटा हो गया क्योंकि बच्चे लोग हमारे क्लिप को थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। मम्मी हमें समझा रही थी क्या कैसे रखना क्या, और जानते हैं जहाँ जितने अच्छे से मैं अपना काम वहाँ पे कर लेती हूँ, थोड़ा सा हमें यहाँ पे दिक्कत होती है लेकिन यहाँ भी प्रॉपर तरीके से ही निभाती हूँ। तो एक विलेज लाइफ जो होता है जिस तरीके से, मैं सोचती हूँ जहाँ जैसे जाओ वहाँ पे वैसे एडजस्ट कर लो अपने आप को, ऐसा ना हो कि तकलीफ, हाँ तकलीफें तो ज़रूर होती है लेकिन ऐसा तकलीफ ना हो जो सबको दिखाने वाली है जनाने वाली होती है। देखिए बेटी भी येलो येलो में ही आ गई है, तो यहाँ सारे लोग येलो 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 हो गए हैं। और इस तरीके से मम्मी पापा को विदा भी करना है, अभी सारा कार्यक्रम हो जाएगा तो फिर उन लोग की विदाई करनी है। और सच में ऐसा फील हो रहा था, पता नहीं क्यों अजीब सा अंदर से बहुत
फील हो रहा था अजीब से, जो मेरी झुमकी निकली थी ना वो आ रही थी। तो चलिए पूजा पाठ खत्म हो गया, अब निकलते हैं हम लोग बाहर, व्यू दिखाते हैं। ना इसमें साथ रहना बाबा, हमारे सबसे आगे हम पीछे। उसी अकॉर्डिंग चला तो उसी हिसाब से एकदम पीछे तो पूरा नहीं है, इधर भी है, या बड़े पापा भी है साथ में कहते तो वो भी है, बच्चे भी सारे पूरे पैर थक चुका था, लेकिन हाँ कुछ अच्छा पुण्य का काम हुआ और इतना अच्छा पूरा इतना अच्छा काम करने का अवसर मिला। भगवान करे हमेशा हर काम के लिए अच्छा अच्छा से मिलता रहे, ये भी एक भाग्य की बात होती है ऐसी चीज़ों को करना, इंजॉय करना। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की, इसमें मैंने कितना कूड़ा था मेरा गेट, और यहाँ देखिए किस तरीके से साफ हुआ है। शाम के बजे हैं 6, यहाँ बच्चे हमारे खेल रहे हैं। कल का जो ब्लॉग था वो आप लोग के साथ मैंने शेयर करी हूँ, छोटी छोटी क्लिप जो थी, मैंने बहुत सारी क्लिप है मैंने पूरी नहीं शेयर की, इसलिए कि गांव बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा घुमा गया, उसके बाद सारी रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं डाल सकती। कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा डालने का लेंथी हो जाएगा वीडियो, और वीडियो लेंथी हो जाएगा तो अच्छा नहीं है, तो मैंने छोटे छोटे क्लिप किया है। और अगर मेरे वीडियो से किसी को ऑब्जेक्शन थोड़ा सा होगी तो उसके लिए मैं सबसे सॉरी बोल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी क्लिप डालना था सब इसमें दिखाने के लिए। तो मैंने सभी अपने सभी लोगों से, जो भी हमारे देख रहे होंगे उनका लोग आए हों जो भी हो, मैं दिल से बस बोल रही हूँ सॉरी इसके लिए बोल दे रही हूँ। लेकिन अब कारण क्या था कि जो हमारी वीडियो है अपलोड होगा अपडेट होगा उसमें कुछ ना क्लिप और लोगों का भी आ ही गया है, अब ऐसा तो नहीं सकता बस एक साइड से कर, तो यही सब चीज़ें हुई। मैंने बहुत इतने दिनों बाद इतना बड़ा काम, इतना अवसर मिला इसे करने का, काफ़ी दिन मुझे 3-4 साल से सोचा जा रहा था इस काम के लिए, सोचा जा रहा था कि भगवान ने आज उसे कंप्लीट कर दिए, तो सच में सब कुछ अच्छा हुआ। बस माता रानी कृपा हो, अच्छे अच्छे सब लोग आ जाए और आने के बाद सब बने अच्छे से काम हो जाए तो अच्छा लगेगा। और कल इतना ज़्यादा मैं थक गई, अभी मेरी आंखें देखे चढ़ी, इतना ज़्यादा थक गई थी, लाल लाल दर्द हो रहा, इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं आप लोग से बात करने की हमारी हिम्मत नहीं थी कि मैं आप लोग से बात करूं। और मेरे गांव को आप लोग ने देखा, जो हमारा गांव है, जैसे छोटा छोटा रिकॉर्डिंग हुआ है, आप लोग ने पूरे घूमे होंगे गांव में, जितना हम लोग में बहुत ज़्यादा पूरा नहीं आप लोग को घुमा, इसलिए कि इग्नोर की बहुत ज़्यादा कर थी वीडियो, आप लोग समझ सकते हैं लेंथी हो जाता, लेकिन कुछ क्लिप मैंने दिखाई पूरी, दीदी लोग नाना लोग, मेरी भाभी जेठानी लोग, सब लोग थे, सभी लोग पूरे गाँव घूमे मम्मी पापा के साथ। एक बहुत बड़ा पुण्य का काम हुआ, बड़े मम्मी पापा थे, मेरे मम्मी पापा थे, दोनों लोग गए हैं,
अच्छा लगता है ये सब करना। तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए ब्लॉग साथ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और आज मैंने ब्लैक वाली साड़ी पहनी है तो आज इसका जो ब्लॉग बनेगा आपके साथ शेयर कल होगा। तो चलिए मिलते हैं अभी।